नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है आप सभी बिल्कुल स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज आप सभी से बात करने वाला हूँ सबसे ब्रेकिंग और अमेजिंग न्यूज़ के रिगार्डिंग, जो कि हमारे इंडिया से निकल के आ रही है। मुकेश अंबानी जी के रिगार्डिंग और अडानी जी के रिगार्डिंग बहुत ही अर्जेंट अपडेट है क्रिप्टो से रिलेटेड। साथ ही साथ भैया, यहाँ पे अगर हम आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग अपडेट की बात करें तो भैया, बिटकॉइन ने $44,000 के मार्क को फिर से टच किया है, काफ़ी अच्छी मोमेंटम दिखाई है। अभी फिलहाल 43,000 पे चल रही है, ट्रेड कर रही है बिटकॉइन, जो कि मुझे लगता है बहुत जल्दी से 44,000 को क्रॉस कर सकती है। मैं एक बात आप सभी को बेशक बताना चाहूंगा, मार्केट ने तगड़ी रिकवरी दिखाई है, जो कि बहुत ही मजेदार अपडेट है दोस्तों। और इससे सारे अल्टकॉइन पे हमें एक ग्रोथ देखने को मिला, शिबा इनू पे लगभग 15% की ग्रोथ हमें देखने को मिल चुकी है। मैंने आपको बताया था बिटकॉइन रिकवर करेगी तो शिबा इनू बहुत जल्दी से रिकवरी दिखा सकती है। और जिस व्यक्ति ने हमारे कॉल को देख करके, हमने आपको बेशक एक ग्राफ बना के भी बताया था कहां पे बाय करना है, उस पॉइंट पे अगर आपने बाय किया होगा तो अच्छी खासी प्रॉफिट आपको हो रही होगी। बट दोस्तों, अभी पे मैं बात कर रहा हूं रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। जी हाँ, बिटकॉइन 44,000 पे है, 45,000 का जो रेजिस्टेंस लेवल है बहुत ही क्रूशियल है बिटकॉइन के लिए। अगर बिटकॉइन उसे ब्रेक कर जाती है तो एक बुलिश मोमेंटम फिर से स्टार्ट हो सकती है। बट भैया, अगर ब्रेक नहीं होती है तो फिर से हमें सपोर्ट लेवल पे रिटेस्टिंग देखने को मिल सकती है, तो आप सभी के पास फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकती है दोस्तों। तो ऐसा मत कीजिए कि सारे इन्वेस्टमेंट अभी ही कर दीजिएगा, थोड़ा होल्ड कीजिए, वेट कीजिए और देखिए बिटकॉइन रिटेस्ट करती है अपने सपोर्ट लेवल को या फिर रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है। और जो हमारे नए मित्र हैं जिन्हें सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में पता नहीं है, वो बस नीचे एक कमेंट डालिए, दो चार कमेंट आ जाएगी, मैं आपको अच्छे से बता दूंगा सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल क्या होती है दोस्तों। बस कमेंट करना है अगर पता नहीं है तो। चलिए सीधे बढ़ेंगे अपने दूसरे क्रिप्टो अपडेट की तरफ, जहां की अपडेट बहुत ज्यादा बड़ी है। और अगली अपडेट की बात करें तो भैया, क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, लेकिन हम इंडियंस के लिए थोड़ा सा निराशाजनक ये अपडेट हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो भैया, अब तक जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति में थे दोस्तों, उन सबसे पहला नाम मुकेश अंबानी जी का आता था, जो कि आपको पता है इंडिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है और एशिया के भी रिचेस्ट पर्सन थे। और मुझे थे इसलिए लगाना लग पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे भैया सीजेट भैया ने छक्का मार दिया, मतलब बैटिंग बहुत तगड़ी करी है सीजेट भैया ने। बाइनेंस तो नंबर वन पर है दोस्तों क्वाइन मार्केट कैपिटल के रिगार्डिंग, बट भैया अभी सीजेट भैया भी कैपिटल के रिगार्डिंग मुकेश अंबानी जी को बीट कर चुके हैं। दूसरे नंबर पे हमारे अडानी जी है, जिसे अडानी जी को भी सीजेट भैया ने बीट कर दिया दोस्तों। यहां पे अगर हम देखें तो भैया, एक बहुत ही बड़ी अपडेट है सभी क्रिप्टो लवर्स के लिए, बेसिक इंडियंस के लिए दोस्तों, हम इंडियंस के लिए उतनी बड़ी अपडेट नहीं कहेंगे, बट दोस्तों अगर हम क्रिप्टो को पसंद करते हैं तो इस अपडेट से आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलनी चाहिए। क्योंकि भैया यहां पे भले ही सीजेट चाइना से बिलोंग करते हैं दोस्तों, बट यहां पे क्रिप्टो के एक एक्सचेंज के सीईओ ने दोस्तों पिछाड़ दिया है मुकेश अंबानी जी को, जो कि इंडिया के टाइकून है। बट बेसिक मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा दोस्तों, अगर इंडिया में भी इसी तरीके से क्रिप्टो एक्सचेंज आगे बढ़ने लग जाए तो जरूर हम किसी को भी पीछे कर सकते हैं, हमारे पास कैपेबिलिटीज की कमी नहीं है दोस्तों। बट थोड़ा सा दिशा सही होना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकली देखें दोस्तों, यहाँ पे तो मुकेश अंबानी जी को सीजेट जी ने पीछे किया है कैपिटल के मामले में, और बाइनेंस के वो सीईओ है, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी से इंडिया की तरफ से भी कुछ रिएक्शन हमें देखने को मिल सकती है। बट अभी के लिए दोस्तों, हमारे लिए तो उतनी बेटर अपडेट नहीं आई है, क्योंकि भैया किसी इंडियन को भैया सीजेट जी ने पीछे किया है। बट अगर आप क्रिप्टो लवर है तो आप जरूर से थोड़ा सा खुश हो सकते हैं, क्योंकि भैया क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के हेड ने मुकेश अंबानी जी को, जो कि एशिया के सबसे बड़े पर्सनैलिटीज थे, पर्सनैलिटी छोड़िए भैया सबसे रिचेस्ट पर्सन थे, उसे पीछे कर दिया है। अब अगली अपडेट जो है भैया, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट है, बहुत ही अर्जेंट अपडेट है अगर भैया आप क्रिप्टो मार्केट में हैं। मैंने आपको कई कई बार बताया दोस्तों कि भैया क्रिप्टो मार्केट में अगर हैं तो भैया सबसे पहले कार्डेनो पे नज़र बनाए रखें। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे अगर हम देखें तो भैया कार्डेनो के रिगार्डिंग बहुत ही अर्जेंट अपडेट निकल के आ रही है। अगर यहाँ पे हम देखें दोस्तों प्रैक्टिकली, तो बताया जा रहा कार्डेनो जो है यहाँ से $3.60 को टच कर सकती है, जो कि लगभग आपके पैसे तीन गुने हो सकते हैं दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे अभी कार्डेनो की वैल्यू लगभग $1.12 के करीब है, $1.2 के करीब है, लेकिन अगर हम देखें तो भैया कार्डेनो जो है बहुत तेज़ी से आगे निकल सकती है प्रैक्टिकली। क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है हिस्टोरिकल डेटा के मुताबिक कार्डेनो जो है एक बहुत ही बड़ी पंप आपको आने वाले समय में दिखाने वाली है, जो कि बहुत कमाल धमाल की प्रॉफिट आप सभी को जनरेट करके देने वाली है। तो अगर भैया आपने कार्डेनो को अभी तक बाई करके नहीं रखा है तो जरूर से बाई कर लीजिएगा, डेटा के मुताबिक पंप कर सकती है, ऐसे भी कार्डेनो कोई खराब क्वाइन तो है नहीं।
और भैया अगर अगली अपडेट की हम आप सभी से बात करें तो ये भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव अपडेट मार्केट की तरफ से निकल के आ रही है, क्योंकि भैया यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों इथेरियम के साथ साथ पूरे क्रिप्टो मार्केट की, मतलब एल्टकॉइन की। भैया यहाँ पे अगर इथेरियम और एल्टकॉइन अगर बाउंस बैक दिखाती है तो बियर मार्केट का जो पूरा ट्रेंड अभी चल रहा है दोस्तों वो खत्म हो सकता है, और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़ी बुल रन स्टार्ट हो सकती है फरवरी के महीने के लिए। और दोस्तों प्रैक्टिकल एनालिसिस से भी आपको समझ में आ जाए कि भैया फरवरी का जो महीना रहा है पूरे क्रिप्टो मार्केट के लिए वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रहा है, मोमेंटम काफ़ी रहती है फरवरी के महीने में क्रिप्टो मार्केट के लिए दोस्तों, और हिस्ट्री इसकी गवाह है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो एनालिस्ट का यही कहना भैया कि क्रिप्टो मार्केट बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकती है और अल्टीमेटली आप सभी को एक अच्छा खासा पंप देखने को मिल सकता है पूरे एल्टकॉइन में, साथ ही साथ इथेरियम में भी। और दोस्तों हमने जो इथेरियम का बाइंग रेंज आपको बताया था वहाँ तक इथेरियम जरूर से पहुँच गई थी। आप में से जितने व्यक्ति ने इथेरियम को बाई किया होगा अब दबा के प्रॉफिट बनाने की समय है। अगर इथेरियम अपने ऊपर के जो सपोर्ट जोन है, ऊपर के जो रेजिस्टेंस जोन है दोस्तों उसे ब्रेक कर देती है तो भैया सपोर्ट जोन में हमें रिटेस्टिंग वापस से देखने को नहीं मिलेगी और फिर से इथेरियम एक बार आपको अच्छी रैली दिखा सकती है। बट अगर ऊपर के रेजिस्टेंस जोन को इथेरियम ब्रेक नहीं कर पाती है तो नीचे के सपोर्ट लेवल को फिर से टच कर सकती है तो आप सभी के पास दूसरा बाइंग अपॉर्चुनिटी आ सकता है दोस्तों। तो प्रैक्टिकली आप सभी को यह देखना है कि भैया रेजिस्टेंस जोन को इथेरियम ब्रेक कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही है। नजर बनाए रखे इथेरियम में बहुत ही जबरदस्त कॉइन है, इसके रिगार्डिंग आपको कुछ कहने की तो जरूरत है नहीं। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने अगले क्रिप्टो अपडेट की तरफ। और दोस्तों थोड़ा सा अगर हम अगली अपडेट पे नजर डालें तो ये अपडेट जो निकल के आ रही है शिबा इनू कॉइन की तरफ से। जी हां दोस्तों आज लवली के रिगार्डिंग बहुत दिनों बाद अपडेट आई है तो अगली अपडेट बेशक लवली के रिगार्डिंग ही होने वाली है, बट अभी शिबा की अगर हम अपडेट को देखें यहां पे तो 3.7 मिलियन शिबा इनू डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं दोस्तों पिछले दिनों में, और भैया लगभग 116 मिलियन शिबा इनू दोस्तों बर्न कर दिए गए हैं पिछले 4 दिन में। तो दोस्तों अगर हम देखें तो शिबा की बर्निंग और डिस्ट्रॉइंग की सिलसिला लगातार जारी है जिससे कि कॉइन की जो ओवरऑल सर्कुलेटिंग सप्लाई है उस पर बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है, और लगातार बर्निंग करने से कॉइन की प्राइस में हमें बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिल सकती है जो कि शिबा होल्डर्स के लिए बहुत ही मुनाफे का सौदा होगा, क्योंकि आपको पता है मार्केट जो है काफी तेजी से रिकवर कर रही है और बीएनबी और एडा जैसे कॉइन को बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको देखने को मिल रहा था। अगर आपने बाय किया होगा तो अच्छे खासे मुनाफा आप लेके जाएंगे मार्केट से। चलिए सीधे बढ़ते हैं अपने अगले क्रिप्टो अपडेट की तरफ जो कि निकल के आ रही है बेशक लवली इनू कॉइन की तरफ से। और भैया अगली अपडेट की हम बात करें यहाँ पे तो एमईएक्ससी एक्सचेंज की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। भैया ये एक्सचेंज काफ़ी तगड़ी एक्सचेंज है और मुझे लगता है 29-30 नंबर पे जरूर से रैंक कर जाती है ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट में, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त पोजीशन हो जाता है इसी एक्सचेंज का दोस्तों। यहाँ पर अगर हम देखें तो भैया एमईएक्ससी एक्सचेंज पर लवली इनू फाइनेंस नाम की जो कॉइन है दोस्तों, नाम बताने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत ही फेमस कॉइन है। थोड़ा सा हाइप में हमें गिरावट देखने को मिली थी क्योंकि कॉइन ने जो वादा अपने होल्डर से किया था उसे कॉइन पूरा करने में कामयाब अब तक नहीं रह पाई है, और मुझे नहीं लगता है कि आगे भी $1 का सफर पॉसिबल हो पाएगा। बट प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो भैया लवली की तरफ से यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, क्योंकि भैया लवली इनू कॉइन जो एमईएक्ससी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने वाली है, इसके रिगार्डिंग प्राइस एनालिसिस के साथ साथ पूरी डिटेल्ड वीडियो आप सभी को कल देखने को मिल जाएगी, जिस पर दोस्तों आपको लवली की प्राइसिंग के साथ साथ फुल इंपैक्ट बताएंगे कि एमईएक्ससी एक्सचेंज पर लिस्ट होने से लवली को क्या इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ भैया ERC-20 और BEP-20 का जो डिफरेंसेज है उसे भी जरूर से क्लियर करने वाले हैं कल की वीडियो में, तो जो भी डेटा होगा दोस्तों वो कल आपको देखने को मिल जाएगा। अभी के लिए बस यही अपडेट है दोस्तों कि लवली जो एमईएक्ससी एक्सचेंज पे आपको देखने को मिल सकती है 15 तारीख से, मिल क्या सकती है दोस्तों देखने को मिलेगी, क्योंकि भैया एक्सचेंज की तरफ से यहाँ पे ट्वीट आ चुकी है जो कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों आप सभी से अपने अगले वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आप सभी तक प्रैक्टिकल और इन्फॉर्मेटिव क्रिप्टो अपडेट्स टाइम टू टाइम पहुंचाते रहते हैं जिससे कि आपकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज और लॉसेस बिल्कुल ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो माय डियर फ्रेंड्स।